आज के इस वीडियो में मैं और मेरे दोस्त फंस चुके स्काई ब्लॉक में, बट ये नॉर्मल स्काई ब्लॉक नहीं है क्योंकि इधर पे एक नहीं दो नहीं बल्कि छह स्काई ब्लॉक के आइलैंड्स है और हर एक आइलैंड डिफरेंट बायोम्स में बने हुए है, तो उधर पे हमें डिफरेंट यूनिक चीजें मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी जगह पे अटेम्प्ट करने वाले 24 आवर्स तक सर्वाइव करने की। इस वीडियो को बनाने में हम सभी को बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो हो सके तो प्लीज एक लाइक कर देना। और गाइस यूट्यूब के अनुसार सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं सबने सब्सक्राइब कर रखा है, बस एक ही बंदे ने नहीं किया। तो अगर इंसान तुम हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो हम स्पॉन हो गए सबसे बीच के स्काई ब्लॉक आइलैंड में। हमारे आइलैंड में एक चेस्ट भी था, तो हमने उसके अंदर देखा और उधर पे हमें एक लावा बकेट, एक आइस का ब्लॉक, बहुत सारे एनिमल्स के स्पॉन, एक कुछ स्टोन के टूल्स और फिर एक बेड भी मिल गया। एक पेड़ भी था हमारे स्काई ब्लॉक आइलैंड में, तो मैं उस पेड़ को तोड़ने लगा। जब तक मैं कर रहा था तब तक मेरे बाकी दो दोस्त अपने कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए जगह बनाने लग गए। मैंने आज तक स्काई ब्लॉक खेला नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि कोबलस्टोन जनरेटर कैसे बनाते हैं, तो हमने ये काम एक्सट्रीम को सौंप दिया क्योंकि वो बोल रहा था कि उसको आता है सब कैसे करते हैं। ओके कैसा लगा मेरा मजाक? भाई हमारी जिंदगी खराब कर दी। लकीली एक और स्काई ब्लॉक आइलैंड था जिधर पे हमें कुछ लावा दिख रहा था, तो हम उधर पे जाके लावा को लेकर आ सकते थे और फिर से एक और कोबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे। बट उस आइलैंड में जाने के लिए हमें ब्लॉक्स चाहिए थे, तो हमें पेड़ उगने तक वेट करना पड़ा। तो कुछ टाइम तक इंतजार करने के बाद पेड़ भी उगने लग गए। फिर हमने कुछ स्लैब्स बनाए और नेदर आइलैंड के लिए निकल गए। तो हम तीनों ही चले गए नेदर आइलैंड पर और उधर पहुंचते ही मेरे को एक चेस्ट मिला उधर पे, और उस चेस्ट के अंदर हमें बहुत सारे लावा के बकेट्स मिल गए। उधर पे हमें कुछ ऑब्सिडियन भी मिल गए, जिसका मतलब हम फ्यूचर में नेदर में भी जा सकते हैं। फिर हम उन सामान को लेके वापस लौट गए अपने मेन स्काई ब्लॉक आइलैंड पर, और इस बारी कोबलस्टोन जनरेटर मैंने खुद ही बना लिया। तो ये वाला कोबलस्टोन जनरेटर परफेक्टली काम कर रहा था, तो मैं पूरी रात बैठा और बहुत सारे कोबलस्टोन को इकट्ठा कर लिया। और जब तक मैं ये कर रहा था, मेरे बाकी के दो दोस्त एक्सट्रीमर बोल्ट ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिधर पे हम पेड़ को उगाने वाले थे। फिर मैं उस प्लेटफॉर्म में गया और मेरे को जो स्पॉन एग्स मिले हुए थे उनमें से मैंने कुछ जानवरों को भी स्पॉन कर दिया, बट मैं उन जानवरों को ब्रीड नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास कोई भी क्रॉप्स नहीं थे। क्रॉप्स को उगाने के लिए पहले तो मेरे को बोन मिल चाहिए होगा, ताकि मैं बोन मिल से घास को उगा सकूं, और उस घास से मेरे को कुछ वीट के सीड्स मिलेंगे। मेरे को कुछ आयरन भी मिल गए थे, तो मैंने उनसे एक शीयर्स बना लिया, उससे कुछ लिप्स को इकट्ठा किया और उन लिप्स को कंपोस्टर में डालने के बाद मेरे को एक बोन मिल मिल गया। तो मैंने उस बोन मिल को ग्रास के ब्लॉक्स में यूज किया और उससे कुछ घास सूख गए जिनको तोड़कर मेरे को एक वीट का सीड मिल गया। फिर रात को मेरा एक और दोस्त डीजी आ गया सर्वर में, और फिर हम सारे मिलके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने लग गए। हमने रात भर काम किया और सुबह तक उस प्लेटफॉर्म को भी कंप्लीट कर दिया। हमारे सारे वुड खत्म हो गए थे, तो हमने फिर से बहुत सारे लकड़ियां को इकट्ठा कर लिया और फिर एक और सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाने लग गए। और जब तक डीजी और मैं मिलके ये प्लेटफॉर्म बना रहे थे, तब तक वोल्टर एक्सट्रीम मिलके एक अपग्रेडेड कोबलस्टोन जनरेटर बना रहे थे, जिसमें हम चारों बंदे एक ही साथ कोबलस्टोन को माइन कर सकते हैं। फिर डीजी और मैं एक नया बायोम का स्काई ब्लॉक आइलैंड में चले गए, जो कि था एक साबाना बायोम का आइलैंड। उधर के आइलैंड में भी हमें कुछ स्टोन के टूल्स और कुछ एनिमल के स्पॉन एग्स मिल गए। ऑल्सो उस आइलैंड में हमें साबाना बायोम वाला पेड़ जो कि है एकेसिया वुड, वो भी मिल गया था। इतनी देर में हमारे अपग्रेडेड कोबलस्टोन जनरेटर भी बनकर रेडी हो गया था, तो हम चारों मिलके बहुत सारे कोबलस्टोन को माइन कर लिए क्योंकि हमें फ्यूचर में सारे कोबलस्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। अरे क्यों लड़ रहे हो गाइस? हम लोग पागल हो गए, पूरी रात माइनिंग की हमने, पूरी रात गेम में नहीं जाए। फिर पास सामान है, ओबे पागल, शिट। डे 11 पे मेरे सारे दोस्त अपने अपने रिकॉर्डिंग के लिए चले गए थे, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे बाकी के स्काई ब्लॉक बायोम्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो शुरू में मैं एंड बायोम वाले स्काई ब्लॉक आइलैंड में चला गया, बट उधर मेरे को कुछ भी खास नहीं मिला। फिर मैं चले गया आइस बायोम वाले स्काई ब्लॉक आइलैंड में, और उधर के चेस्ट में भी सिर्फ 30 सामान ही थे। इतने देर में मेरे फ्रेंड्स भी वापस आ गए सर्वर में अपने रिकॉर्डिंग कम्प्लीट करके। तो फिर हमने एक और प्लेटफॉर्म बना लिया क्योंकि अब हमें उधर पे बनाना था एक मॉब फार्म। तो मैं एक्सट्रीम और बोल्ट मिलके मॉब फार्म बनाने का काम शुरू कर लिए। ये वही सिंपल सा मॉब फार्म है जो कि हर कोई बनाता है। उसी नॉर्मल वर्ल्ड में तो ये फार्म उतने अच्छे से काम नहीं करता, बट स्काई ब्लॉक में सारे के सारे मॉब्स इधर पे स्पॉन होते हैं क्योंकि स्पॉन होने के लिए बाकी जगह ही नहीं बचता स्काई ब्लॉक में। तो हमारा ये फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा था, कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा था। गलती से एक क्रीपर फूटा और हमारा मॉब फार्म बिगड़ गया, और उसके बाद तो भाई पूरा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गई। अबे भागो भागो कभी आए, भागो कभी आए, दूर जाओ, बहुत ज्यादा है। अबे कैसे इतने स्पोर हो रहे? अरे भाई भाई भाई, भाई मार दिया मैंने। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही हो रहे। नहीं 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 नहीं, उड़ के नहीं मारना है। ओह शिट, ओके 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 ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। मैं मर गया यार, रे आधा हार्ट है, भागो।
आलू एक्सट्रीम आलू। वाओ, तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से कुछ तो फायदा हो गया था हमें, क्योंकि हमें एक आलू मिल गया था, तो अब हम उन आलू को पका के खा सकते थे एंड ऑल्सो अपने पिग्स को भी ब्रीड कर सकते थे आलू से। फिर कुछ टाइम बाद उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर मेरे को एक कैरेट भी मिल गया, तो अब मैं उस कैरेट को बोन मिल करके बहुत सारे कैरेट बना सकता हूँ और उनको गोल्डन कैरेट बना के बहुत अच्छे से। मेरा इन्वेंट्री फुल था तो कैरेट मेरे इन्वेंट्री में नहीं आ पाया, बल्कि सीधा नीचे वॉइड में गिर गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब हमारे पास प्लांट करने के लिए सिर्फ आलू ही बाकी था, तो अगले दिन मैंने बोन मिल करके बहुत सारे आलू को इकट्ठा कर लिया। और इतने टाइम में डीजीए ने हमारे सारे जानवरों के लिए एक फेंस्ड एरिया बना दिया था। और फिर एक अजीब चीज हुआ, हमारे मॉब फार्म में एक वैंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया। तो मैं उसके पास चला गया बट वो एक भी अच्छा ट्रेड नहीं दे रहा था, तो मैंने उसको एक बोट में बिठा दिया और फिर एक और स्काई ब्लॉक आइलैंड में चला गया। और उस आइलैंड के चेस्ट में मेरे को डिफरेंट टाइप्स के सैपलिंग्स मिल गए। नेदर बायोम वाला स्काई ब्लॉक में हमें कुछ ऑब्सिडियन भी मिल गए थे, तो हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया। तो उस साइड कर, मैं इस साइड करता हूं। इधर उठ डालो, इधर उठ डालो। नूब। तो कुछ ही टाइम में हमने नेदर पोर्टल को भी लाइट अप कर लिया। वो जल गया। ओके, नाइस। और फिर हम सब नेदर में चले गए। इस वर्ल्ड का नेदर डायमेंशन स्काई ब्लॉक में नहीं बना था, इसका मतलब हमें इधर पे बहुत सारे चीजें इजीली मिलने वाले थे। बट अभी के लिए हमने नेदर को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस कुछ ब्राउन मशरूम को कलेक्ट कर लिया। फिर हम वापिस आ गए ओवर वर्ल्ड में और फिर सारे पेड़ को काट के हटा दिया। हमारा पेड़ वाला आइलैंड थोड़ा सा गंदा लग रहा था, इसलिए हमने पूरा आइलैंड को ही उड़ा दिया। और फिर अपने प्लेटफॉर्म्स में कुछ नए डिजाइन भी कर लिए। फिर रात को मैं अपने मॉब फार्म में बैठ के मॉब्स को मार रहा था, तो अचानक से एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ज़ॉम्बी बिलीजर्स टपक गए। एक को तो गलती से मैंने ही मार दिया बट बाकी के दो को मैंने बोट में बिठा दिया। और जब तक मैं ये सब कर रहा था, तब तक एक्सट्रीम ने एक और सर्कल बना लिया था। तो फिर हम सब ने मिलकर उस प्लेटफॉर्म को भी कंप्लीट कर दिया। हमने अपने पुराने ट्रीफॉर्म वाला आइलैंड को तो उड़ा दिया था, तो हमें एक नया जगह चाहिए था जिधर पे हम अपने पेड़ को उगा सके। तो एक्सट्रीम और डीजीए ने मिलकर एक नया डिजाइन में ट्रीफॉर्म बना लिया, जो कि पुराने ट्रीफॉर्म से तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमें ज़ॉम्बी बिलीजर्स को भी हील करने थे और उसके लिए हमें शुगर चाहिए होगा, बट हमारे पास शुगर कैन नहीं था, इसलिए मैं विच को मारने लगा अपने मॉब फार्म में जाके, क्योंकि कभी कभी विच शुगर को ड्रॉप करती है। लकीली एक विच भी स्पन हो गई थी बट उसने सिर्फ ग्लोस्टोन ही ड्रॉप करी। बट कुछ ही टाइम बाद एक और विच स्पन हो गई और उसको मारने पे मेरे को फाइनली कुछ शुगर मिल गए। बट हमें ब्रूइंग स्टैंड भी चाहिए होगा पोशंस बनाने के लिए, तो फिर हम नेदर में चले गए फोर्ट्रेस को ढूंढने। कुछ ही देर में हमें एक फोर्ट्रेस भी दिख गई, तो हम फटाफट से फोर्ट्रेस के अंदर चले गए। तो उधर पहुंच के सबसे पहले तो हम फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने लगे और उधर के कुछ चेस्ट में हमें डायमंड्स भी मिल रहे थे। फिर कुछ ही देर में हमें ब्लेज का स्पोनर भी मिल गया, बट हमारे पास कोई भी आर्मर नहीं था, इसलिए उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी हमें। बट फिर भी हमें किसी भी करके ब्लेज रश तो लेने मर गया गैम्बिट भाई। तो किसी भी करके हमने उधर से दो तीन ब्लेजर्स ले लिए और कुछ नेदर वर्ड्स को भी कलेक्ट कर लिए। फिर हम वापस ओवरवर्ल्ड में चले गए और एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया। मेरे को अभी तक सैंड तो नहीं मिला था, बट विच को मार के मेरे को दो खाली बॉटल्स भी मिल गए थे। फिर मैंने वीकनेस पोशन के लिए फॉर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लिया और फिर नेदर में चला गया गोल्ड को इकट्ठा करने। तो फिर उन सारे गोल्ड और एप्पल्स को यूज करके मैंने दो गोल्डन एप्पल्स बना लिया और फिर अपने ज़ॉम्बी ब्लेजर्स को दबाई दे दिया क्योर करने के लिए। हाँ भाई, यही मिलता है दूसरों का मदद करने पर। और फिर हमने कुछ टाइम तक वेट किया और फिर हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स भी हील होने लग गए। ये क्या चल रहा है भाई। स्पाइडर्स को मार मार कर बहुत सारे स्ट्रिंग्स इकट्ठा हो गए थे अपने पास, तो उनको यूज करके मैंने कुछ बेड बना लिया ताकि अपने विलेजर्स ब्रीड कर सके। मेरा एक विलेजर तो अभी भी छोटा ही था, तो मेरे को और टाइम तक वेट करना पड़ा और वो बड़ा होकर एक नीट विलेजर बन गया। तो मैंने अपने दो विलेजर्स को ब्रीड करवा लिया और मेरे को एक छुटकू सा विलेजर मिल गया। अब हमें अपना घर भी बनाना था और उसके लिए हमें बहुत सारे चीजें चाहिए थे, तो उनमें से मैं लकड़िया को इकट्ठा करने लगा और मेरे बाकी के दोस्त बाकी सामान को इकट्ठा कर रहे थे। उनमें से कुछ लकड़िया को मैंने अपने विलेजर्स के साथ ट्रेड कर लिया और अब भारी है घर बनाते बनाते पैसे कमाने की। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे विल विन द मैच और विल विन द टॉस, जिसे 50 प्लस तरह के क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चन है जहाँ अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो पहले तो हमने मिलके अपना घर बनाया और फिर एक्सट्रीम ने हमारे स्काई ब्लॉक के सेंटर में ये मस्त सा डिजाइन कर दिया। और जब तक एक्सट्रीम वो सब कर रहा था, तब तक हमने बहुत सारे ट्रेडिंग करके एमरल्ड्स को इकट्ठा कर लिए और फिर से फोर्ट्रेस में चले गए ब्लेजेस को इकट्ठा करने, क्योंकि भाई हमें एंडर ड्रैगन को भी मारना है। तो अब हमारे पास इनफ ब्लेजर्स भी हो गए थे, तो उन सबको लेके हम वापस ओवरवर्ल्ड में चले आए। सारे के सारे खतरनाक बिल्ड्स एक्सट्रीम अकेला ही कर रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बिल्ड्स करता है। तो मेरे को लगा कि वो इतना सारा मेहनत कर रहा है, तो मेरे को भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने ब्लेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने लगा, क्योंकि ट्रेडिंग
एक जरिया था जिससे हम सबको डायमंड के आर्मर और टूल्स मिल सकते हैं। मेरे को बस इन विलेजर्स के साथ ट्रेड करना है जब तक वो लोग मैक्स लेवल पे पहुंचेंगे, और फिर मैक्स लेवल के होने के बाद ये लोग डायमंड की चीजें भी सेल करने लगेंगे। जैसे कि इधर भी मेरे को डायमंड के चड्डी और बूट्स मिल चुके हैं, और कुछ ही देर बाद मेरे को डायमंड के चेस्ट प्लेट और हेलमेट भी मिल गया, और अब मेरे पास पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर हो गया था। फिर डायमंड के टूल्स के लिए मैं टूल स्मिथ के साथ ट्रेड करने लगा, और अनलिमिटेड आयरन के लिए हम आयरन गोलेम्स को भी मार सकते थे अब तो। तो कुछ ही देर में मेरे को टूल स्मिथ से एक डायमंड का शॉवल और डायमंड का पिकैक्स भी मिल गया। फिर मैंने एक फार्मर विलेजर बना लिया क्योंकि हम आलू खा के पक गए थे, और इस विलेजर से हम आलू के बदले में गोल्डन कैरट्स ले सकते थे। मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए भी आर्मर खरीद लिया, और एनविल में कम्बाइन करके अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर रहा था। फिर मैंने एक वेपन स्मिथ को भी मैक्स लेवल का किया, और उससे मेरे को डायमंड का स्वॉर्ड और एक्स मिल गया। मेरे पास तो ज्यादा एक्सपी नहीं था इनको कम्बाइन करने के लिए, तो फिर मैंने इन सारे सामान को बोल्ट को दे दिया। तो बोल्ट ने बहुत सारे 7-1 वाले स्वॉर्ड को कम्बाइन कर लिया, और फिर मेरे को मैक्स आउट स्वॉर्ड दे दिया। तो अब मेरे स्वॉर्ड में भी 7-5 लग गया था। बोल्ट आयरन गोलेम को मार रहा था लावा को डाल के। अरे विलेजर जन के, ओए पानी डालो, पानी डालो, पानी नहीं है, नहीं पानी। अरे मर गया वो। तो बुल्ट आयरन गोलेम को लावा से मार रहा था, और उस चक्कर में उसने एक विलेजर को भी मार दिया। फिर हमने एक विलेजर से पावर 3 का बो भी खरीद लिया, और फिर हमने एक्सट्रीम को बुला लिया उसको भी कुछ आर्मर देने के लिए, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। ओ माय गॉड, एक सेकंड, ओके ऑलराइट, लेट्स गो। शावेल भी ले लेते, पिकैक्स भी ले लेते, स्वॉर्ड भी है, खरीदना पड़ेगा। मेरे पास अच्छा, उसके मेरे पास। तो सामान मिलने के बाद एक्सट्रीम फिर से चला गया अपने बिल्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो बोल्ट ने भी ट्रेड करके बहुत सारे एरोस को भी इकट्ठा कर लिया था, तो उसने मेरे को 3 स्टैक एरोस दे दिया। और अब तो हम फुल्ली रेडी हो चुके थे ड्रैगन से फाइट करने के लिए, बट हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि इधर पे एंड पोर्टल किधर मिलेगा। तभी एक्सट्रीम हमें बोलता है, अरे गोपी भाई इधर मेरे को कुछ दिखा, वहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत दूर एक आइलैंड है उधर। मैंने अपने चंक्स मैक्स करके रखा है रेंडर डिस्टेंस, एक बहुत दूर मेरे को एक छोटा सा आइलैंड दिखा है। मेरे को समझ नहीं रहा है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है क्योंकि काफी दूर है। तो एक्सट्रीम बोल रहा था कि उसको एक और आइलैंड दिख गया है ऊपर से। तो फिर हम तीनों ही उस आइलैंड के लिए निकल गए। और गाइस मेरे को इस वीडियो को बनाने में एक्सट्रीम, डीजीए और बोल्ट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो हो सके तो उनके चैनल को भी एक बार चेकआउट कर लेना, वो भी काफी मस्त मस्त वीडियो डालते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो क्लियर दिख रहा है, इतना मस्त दिख रहा है, क्या है वो? अरे वो तो स्ट्रॉन्गहोल्ड सा लग रहा है, शायद स्ट्रॉन्गहोल्ड है क्या? क्योंकि स्ट्रॉन्गहोल्ड में वो बार्स होते हैं। तो शायद हमें स्ट्रॉन्गहोल्ड वाला स्काई ब्लॉक आइलैंड मिल गया था, तो हम फटाफट से उस आइलैंड के लिए निकल गए। सिल्वर फिश आ गई, अबे सिल्वर फिश आ गई। भाई पीवीपी गॉड सिल्वर फिश से फिट रहा है। तो फिर हम पहुंच गए स्ट्रॉन्गहोल्ड वाले स्काई ब्लॉक आइलैंड पर। देख भाई, आई ऑफ एंडर है इसके अंदर। तो हम इस स्काई ब्लॉक के चेस्ट में आई ऑफ एंडर और एंड पोर्टल फ्रेम्स मिल गए थे। 20 में जाके लगा थे, 20 में जाके, मस्त लगेगा। तो फिर हम उन आईज ऑफ एंडर और एंड पोर्टल फ्रेम को लेके वापस अपने बेस में चले गए। इधर ही बनाते हैं। तो फिर हमें एक अच्छा सा जगह भी मिल गया था अपने एंड पोर्टल फ्रेम्स को रखने के लिए। तो बुल्ट ने एंड पोर्टल फ्रेम्स को रख दिया, और फिर मैंने एंड राइज डाल के उसको अनलॉक कर लिया। आर यू रेडी गाइस? यस वी आर रेडी, लेट्स गो। ये के पॉज भी गया। अबे भाई अबे डर गया तो मैं नीचे गिर रहा था भाई। तो पहले तो हमने सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़े, और फिर अब बारी आ गया था ड्रैगन को मारने का। हम लोग 3 बंदे थे, तो ड्रैगन को मारना काफी ज्यादा इजी था, तो हमने बहुत ही इजीली ड्रैगन को फोड़ दिया। और फिर हम ड्रैगन एग के लिए लड़ने लग गए। अंडा को भी लगता है क्या एरो? अंडा गाइस फूट जाएगा अंडा। अरे क्या कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा। अरे मेरे को कुछ बोल्ट के मारो, बोल्ट को मारो, अंडा चोर, अंडा दमे मारो, दमे मारो। ओए मत 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 बोल्ट, नो नो अंडा भी उसी के साथ हमेशा के लिए वोइड में चला जाएगा, तो हम उसको नहीं मार सकते थे। इधर से मारता हूँ भाई, मैं खुद जाऊंगा। आ जाओ भाई सो जाते। तो इस वर्ल्ड में 24 आवर्स भी कंप्लीट होने ही वाले थे, बट अभी भी कुछ काम करना बाकी थे, जैसे कि मेरे को इन जानवरों को बानहाउस तक लेकर जाना था, बट आधे से ज्यादा जानवर तो रास्ते में ही स्वर्गवास हो गए। गिर रहे।
तो किसी भी करके मैंने 4-5 जानवरों को उनके घर तक पहुंचा दिया। तो अब हमारे पास कुछ ही घंटे बचे थे 24 आवर्स को कंप्लीट होने में। तो उस टाइम में जो भी फालतू के ब्लॉक्स लगाए थे हमने उन सब ब्लॉक्स को हमने रिमूव कर लिया और कुछ डेकोरेशंस को ऐड करने के बाद एट द एंड ऑफ 24 आवर्स हमारा बेस कुछ ऐसा लग रहा था।